बेटा। अभी एक पान साहब की दुकान में मैं मेरा चुनाव प्रचार के लिए आया था और यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझे पान साहब की दुकान में लेकर आया और कहने लगे कि भैया ये 5000 का पान धुलपे क्षेत्र में भी बन रहा है और आपको 5000 का पान खाना है और तुम्हारे छोटे साले और बड़े साले के घर को जाना है, जो आज चुनाव में के समय पर बहुत पुकार रहे। हाल ही में हमारा जो छोटा साला है उसका एक कमेंट आया था, क्या बोलकर कमेंट के तेलंगाना में पहले तो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री बनता तो इनके पास झुकता था कहते। अबे चूतिए, आंध्र प्रदेश का ही मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी था, तेरी गांड पड़े तो शायद भूल गया। उसके बाद में चंद्रशेखर राव आया, ये तो हिंदू विरोधी है और तुम लोगों का गुलाम है। आज तुम MIM वाले उसको गुलाम बना के रखे, लेकिन कोई भी मुसलमान का उद्धार तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ही उद्धार हुआ। साथ ही साथ तेलंगाना की जनता से ये कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये मुख्यमंत्रियों को झुकाने की बात करता है। अगर ऐसे लोग सत्ता में आएंगे और TRS पार्टी सत्ता में आएंगी तो जो लोग सरकार को झुकाने की बात करते हैं तो आने वाले समय में हिंदुओं का हाल क्या होगा ये समझ जाना है। जो TRS को वोट डालेगा समझ जाओ कि वो MIM को वोट डालेगा, वो गौ हत्यारों को वोट डालेगा, वो देश द्रोहियों को वोट डालेगा, जो भी TRS का वोट डालेगा। साथ ही साथ पान तो खा लिया हूँ, जरा घर का दरवाजा खुला रहा।